तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 12 चैनल पे। आज के हम बात करें केवीए जीएसए एसएससी स्टेनो का रिजल्ट कब तक आएगा, और इसके बाद बताऊंगा कट ऑफ क्या रह सकता है, आपका स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगा और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। स्किल टेस्ट रिजल्ट के कितने बाद आपकी स्किल टेस्ट हो जाएगा, वीडियो कब लेगा, कितने गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में सिलेक्शन किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है केवीए सब बारी बारी तरीके से रिजल्ट जारी कर रहा है। आप देख सकते हो 11 तारीख को यहाँ पे पीआरटी म्यूजिक का जारी किया, उसके बाद 13 तारीख को मतलब कल की डेट में यहाँ पे पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल का यहाँ पे जारी कर दिया, और साथ में इंटरव्यू जो डेट है उसका शेड्यूल भी कर दिया गया है। तो आपके पास ज्यादा टाइम है, जिसमें हमेशा आपको कहता हूँ कि स्किल टेस्ट आपका बहुत जल्द हो जाएगा, और डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपका बहुत जल्द होने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देखें, आपको और स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताऊंगा। देखो, आपके 702 आपकी वैकेंसीज है, 35 की इंग्लिश की आपकी डब्ल्यूपीएम स्पीड मांगी गई है। अगर आपकी इंग्लिश 35 स्पीड है, कम से कम आपको सोचना चाहिए आपको कम से कम 45 से लेकर स्पीड आपको करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का प्रेशर वैसा रहेगा, क्योंकि आपको कम टाइम पे करना भी पड़ेगा और साथ में एक्यूरेसी भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसी ध्यान रखेगा। और अगर हम बात को लास्ट ईयर देखें, अगर लास्ट ईयर का वैकेंसी देखेंगे, लास्ट ईयर जहाँ यूआर में 284 वैकेंसी थी, और टोटल जो वैकेंसी थी आपकी वो टोटल 561 आपकी वैकेंसी है। तो इस बार आपकी 200 आपकी लास्ट ईयर 284 वैकेंसी, लास्ट ईयर के मुताबिक मैं बात करूं तो पर कैटेगरी में 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था। अगर हम माने कि अगर 500 आपकी वैकेंसी थी, तो ये माननी चलिए कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब 5000 कैंडिडेट को स्टूडेंट को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। इस बार आपकी वैकेंसी कितनी है, 702 आपकी वैकेंसीज है, तो इसका मतलब है कि 7000 कैंडिडेट को भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, उसमें से फिर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन किया जा सके। तो इसी ध्यान रखें, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई आपको करना, जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू आपकी बनने वाली है। इस चीज को ध्यान रखेगा, आपको समझ में आ गया। 10 टर्म्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितना पॉसिबिलिटी है। पिछले साल आप देखो, इस साल आपकी 286 वैकेंसी है, और लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी, लास्ट ईयर आपकी 284 वैकेंसीज है। तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी में ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, एलडीसी यहाँ पे देख सकते हैं, यूआर का 88 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 100 में से। इस बार आपका कट ऑफ किस में तैयार हो रहा है, इस बार आप कट ऑफ आउट ऑफ 120 में से कट ऑफ तैयार किया। पूरा पैटर्न चेंज है, जबकि पिछले साल पैटर्न अलग था, इस बार पैटर्न आपका अलग है। इस साल बच्चों के अच्छे मार्क्स भी देखने को मिले, आउट ऑफ 120 में से 80, 85, 90, 95 मार्क्स भी बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एक बात करें कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच जो शिफ्ट वाइज बच्चों के एग्जाम हुए थे, उसमें एवरेज स्टूडेंट के कितने मार्क्स बच्चों को देखने को मिलते, जो हमने गूगल फॉर्म के थ्रू भरवाया था और एक एक्सपीरियंस टीचर की मदद से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो 1 मार्च में अधिकतर बच्चों के जो मार्क्स है वो 82 से 85 के बीच अधिकतर बच्चों के मार्क्स जो है देखने को मिल रहा है। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जिस बच्चे के 95, 98 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा। 2 मार्च की बात करो, 2 मार्च में बच्चों के 80 से 82 मार्क्स आ रहे हैं। इसमें वो बच्चे भी शामिल है जो बच्चे सीएसएल का एग्जाम दिए हैं, जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम दिए, वो बच्चे भी इसमें नौकरी में शामिल है। अगर उन बच्चों का सीजीएल में क्वालिफाई हो जाता है या सीएसएल में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जितना पॉसिबल लग रहा है सीजीएल वाले बच्चे स्किप कर सकते, जो बच्चे सीजीएल में लगे हुए जिनके मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 110 आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं, 108 नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा है। 4 मार्च की बात करो तो 80 से 85 मार्क्स, 5 मार्च में 85 से 85, मतलब अभी तो बात करो जो हार्ड शिफ्ट था वो आपका 5 मार्च का शिफ्ट है, उसमें 4 मार्च का 80 से 85 भी शिफ्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें नॉमिनेशन आपका अच्छा खासा होने वाला है। नॉमिनेशन की बात करो तो 5 से 7-8 नंबर का नॉमिनेशन हो सकता है। अगर इतना नॉमिनेशन अगर होता है आपका एवरेज, तो कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आगे बात करता हूं मैं आपको केवीए जीएसए का कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो केवी जीएसए का जो आपका कट ऑफ है, आपका स्किल टेस्ट के लिए जो मैंने कट ऑफ आपको प्रेडिक्ट किया है, वो मेरा यूआर में 95 के अंडर मैंने आपको कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके अंडर आपका लगभग आ सकता है। अगर आपके मार्क्स 90 से 95 के अंडर भी आ रहे हैं, अगर विथ नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स आपका बढ़ सकता है, तो मैंने नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। यहाँ पे यूआर का 95 के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया है, एससी का 80 नॉर्मलाइजेशन, ओबीसी का 80-90 नॉर्मलाइजेशन, एसटी का 75-78 नॉर्मलाइजेशन, ईडब्ल्यूएस का 90-95 नॉर्मलाइजेशन, मैंने इस चीज को बढ़ा रखा है। तो नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ कहने के थोड़ा इंक्रीज और एनहेंस आपका देखने को मिल सकता है। बाकी रॉयस को जिस बच्चे के 85 अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसका हार्ड शिफ्ट था, तो ये मान चलिए 7 से 5 नंबर उनके कहीं नहीं गए, नंबर बढ़ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस है जो केवीएस आपको बढ़ाने वाली है। और जिस हिसाब से 10 टेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर नॉमिनेशन आपका होता है यूआर में आपके 90, 92, 95 के अंडर मार्क्स आ रहे हैं नॉमिनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उस स्किल टेस्ट में सिलेक्शन हो सकते हो। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, जो फाइनल कट ऑफ मुझे लगता है, अगर क्योंकि जिस बच्चों के मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, जो बच्चे सीजीएल के बच्चे भी इसमें भर चुके हैं, अगर उनका सिलेक्शन अगर हो जाए, स्किप अगर कर देते लास्ट प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं आपका जो फाइनल कट ऑफ वो नीचे गिरेगा।
डेफिनेटली गिरेगा। तो अब मैं अगर कहूँ तो ये फाइनल जो कट ऑफ है आपका यूआर का, कहीं ना कहीं मुझे चांस लगता है कि 98 से लेकर 102 के बीच कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए रहेगा। जी हाँ, 98 से लेकर 102 के बीच फाइनल सिलेक्शन चाहिए रहेगा आपको। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे 95 के अंडर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके ओबीसी में आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ आपका हाई जाएगी, वो एक एक दो नंबर से आपका जो है रहेगा। क्योंकि लास्ट से अगर आप चीज देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 88 ओबीसी, 86 एससी, 84 एसटी, 81 ओएच, 86, तो आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। आप खुद ही बोलते हो सर इतना डिफरेंस है, उतना डिफरेंस कुछ नहीं रहता भाई, सब जमाना गया, अब ये नया जमाना है, कट ऑफ इतना ही रहेगा, इसके अंडर रह सकता है, ठीक है। अगर आप बात करो यहाँ पे चीजें फाइनल कट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताई दिया ये फाइनल कट ऑफ आपका रह सकता है केवीजीएस का जो मैंने प्रेडिक्ट किया यहाँ पे। आगे बात करें स्टेनो का, अगर आप स्टेनो के बंदे हैं तो आपका जो कट ऑफ है यूआर का 82 से 85 के अंदर रह सकता है, ओबीसी 75, ईडब्ल्यू 75 से 80 है, 75 आपका स्टेनो कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब रिजल्ट कब आएगा। देखो सबसे पहले बात ये मतलब रिजल्ट के रिगार्डिंग बता देता हूँ। सबसे पहले देखो अब यहाँ पे 13 तारीख को यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल का रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद जो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है आपका पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्या देखने को मिलेगा, पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पीआरटी का रिजल्ट, ठीक है, पीआरटी वालों का। तो पीजीटी टीजीटी पीआरटी का रिजल्ट यहाँ पे लग रहा है, पीजीटी टीजीटी का जो रिजल्ट है वो एक साथ देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो रिजल्ट है आपका वो नेक्स्ट वीक, जैसे मान चलो आपका जो मंडे से लेकर आपका जो सैटरडे का जो वीक आएगा उसमें पीजीटी टीजीटी में से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों एक साथ रिजल्ट आ सकते हैं, डेफिनेट चांस लग रहे हैं। उसके बाद पीआरटी रिजल्ट आएगा, तो आपके रिजल्ट की अगर पॉसिबिलिटी बात करो तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल का लास्ट वीक कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप 25 से लेकर आप मान चलिए कि 28 अप्रैल के बीच कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अब जो रिजल्ट है लास्ट वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है पूरा जारी कर दी केवीएस का, तो पॉसिबिलिटी यही है। और जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके मान चले कि 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, अभी जितनी तैयारी करनी कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी